प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के समीप फूटा कांग्रेसियों का गुस्सा, गृह मंत्री अमित शाह का फूका पुतला। हम आपको बता दें कि देश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला कांग्रेस कार्यालय के सामने दहन किया गया। सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी रेडक्रॉस हॉस्पिटल में पैदल मार्च करते हुए पहुंचे। वहां पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का मुर्दाबाद के नारे लगाए। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। देखिए जिस तरीके से दिल्ली में संसद के अंदर राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर जवाब मांगा, अमित शाह की इस्तीफे की मांग की, जिस तरीके से देश के अंदर जो हिंसक घटनाएं बढ़ रही है, चाहे हम दिल्ली की बात करें चाहे हम पूरे देश की बात करें, इस तरीके से अमित शाह जहाँ विफल नजर आते हुए दिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी विफल नजर आते हुए दिख रहे हैं, उनने संसद में इस्तीफा मांगा। आज हमने भोपाल जिला कांग्रेस के नेतृत्व में सड़कों पे हमने अमित शाह का पुतला जला के इस बात का विरोध दर्ज किया कि हिंसक घटनाओं का जवाब दो। और जिस तरीके दिल्ली के अंदर जो तांडा मचा था और कुछ घंटे के लिए अमित शाह मौन हो गए थे, नरेंद्र मोदी मौन हो गए थे, इसका जवाब चाहिए। देश की जनता इसकी जवाब मांग रही, कांग्रेस पार्टी इसका जवाब मांग रही है, हमारे माननीय राहुल गांधी, हमारी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जवाब मांग रही है। और आज हम भोपाल की सड़कों पर हमने पुतला जला के हमने अमित शाह से जवाब मांगा है और उनका पुतला जलाया हमने। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।